Hello everyone, I'm your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो डियर फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर सेशन में आप लोग को स्वागत करता हूँ. तो देखते हैं आज की करंट अफेयर जो हो पाया, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर है ये. तो सारा का सारा इंपॉर्टेंस होने वाला है, तो डो नॉट स्किप दिस वीडियो डियर फ्रेंड्स. तो आज की पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं. तो आज पहला क्वेश्चन ये है कि व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिलीज द समृद्धि एंड वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमएनटी स्कीम. ओके, याद रखो मतलब भारत की कौन सा एक तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिलीज किए हैं जो कि समृद्धि एंड वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम है ये, वो है न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट. ओके, तो उन्हीं के ऊपर नोट्स की और देखो, टोटली नोट्स है ये. सो दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि विनायक कुमार सक्सेना, रिसेंटली याद रखो जो कि दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है विनायक कुमार सक्सेना, सो रिसेंटली अनाउंस्ड ए वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम है. सो वही स्कीम के ऊपर क्या होने वाला, लागू होने वाला कि सो अंडर दिस स्कीम द स्ट्रेथनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ म्युनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिल्ली समृद्धि 2022 एंड 23 स्कीम द एनसीआर. ओके, एनसीआर पीपल विल बी एबल टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द करेंट एंड पेंडिंग टैक्स ऑफ पास्ट 5 ईयर्स फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज. याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. मिनीकॉय थुंडी बीच, याद रखो मिनीकॉय थुंडी बीच एंड काटमार्ट बीच व्हिच वेयर एडेड टू द लिस्ट ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस सो आर लोकेटेड इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज. ओके, मिनीकॉय थुंडी और जो बीच एंड काटमार्ट बीच जो है मतलब व्हिच वेयर रिसेंटली एडेड हुआ है ब्लू फ्लैग बीचेस में, सो वो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में लोकेटेड है, वो है लक्षद्वीप. याद रखो, उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स की ओर देखो. जो ये जो दो बीचेस है फॉर लक्षद्वीप से भी बिलोंग्स करते हैं, मिनीकॉय थुंडी बीच एंड काटमार्ट बीच वेर एडेड टू द लिस्ट ऑफ ब्लू बीचेस, सो इट इज़ एन इको लेवल गिवन टू द क्लीनेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड बाय द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE. So with this, India now has 12 beaches certified under the Blue Flag certification. So Spain with 729 sites top the list of countries with Blue Flag awarded sites. Okay, याद रखो ये है उसका complete notes. तो अगले question की ओर बढ़ते हैं. तो next question ये है कि which institution has released the 2022 NDC synthesis report? कि कौन सा एक तो इंस्टीट्यूशन रिलीज किए हैं जो 2022 एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट. आंसर की ओर देखो, वो है UNFCCC. ओके, ट्रिपल सी जो है वो, मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. याद रखो UNFCCC. सो सोस कंट्रीज आर बेंडिंग द कर्व ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन डाउनवर्ड. सो इट ऑल्सो, याद रखो ये वाला मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि इट ऑल्सो वांट्स दैट दिस एफर्ट्स रिमेन इनसफिशिएंट टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर्स राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी. ओके, ये है उसका कंप्लीट नोट्स. तो अगले क्वेश्चन की ओर देखो कि वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 24th अक्टूबर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द पोलियो वैक्सीनेशन एंड इराडिकेशन ऑफ पोलियो फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. सो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे 2022? सो इस साल का जो पोलियो थीम क्या है, वर्ल्ड पोलियो डे का थीम क्या है, वो है ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन. याद रखो, क्वेश्चन में आ ही सकता है ये. तो अगले क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच स्टॉक एक्सचेंज हैज लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीव्ड EGR ऑन इट्स प्लेटफॉर्म इन अक्टूबर 2022? कौन सा एक्टो स्टॉक एक्सचेंज जो कि लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीव्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म इन अक्टूबर 2022? वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ओके, याद रखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो अगले क्वेश्चन और देखो कि फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर युवराज सिंह has been appointed as the brand ambassador of the third T20 World Cup for the blind. याद रखो, जो कि former जो Indian cricketer थे युवराज सिंह को appointed किए गए हैं जो कि brand ambassador के हिसाब से third T20 World Cup for the blind cricket team. So the third
T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड विल बी हेल्ड इन कौन सा एक तो कंट्री में होने वाला है, वो है इंडिया, याद रखो भारत में होने वाला ही ये थर्ड T20 वर्ल्ड कप। सो लास्ट क्वेश्चन की ओर देखो आज की, सो हु अमंग द मतलब हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू अपियर ऑन US करेंसी इन अक्टूबर 2022, वो है आना मे वोंग, याद रखो आज की लास्ट क्वेश्चन है ये। तो आज की करंट अफेयर बस इतना तक ही, आशा करता हूँ हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट्स कर लो और डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माई न्यू नोटिफिकेशन ऑल्सो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।